केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि अगर देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो दो नंबर को बंद करना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के मौके पर सिन्हा ने जीएसटी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में अब कच्चे तरीके से कारोबार नहीं होगा और व्यापार पक्के तरीके से ही करना होगा। खराब मौसम की वजह से सीएम रघुवर दास का गिरिडीह दौरा रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से चौपर बीच रास्ते ही लौट आया। सीएनटी के मुद्दे पर विपक्ष के उलगुलान की चेतावनी पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने दो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि गिरिडीह के रहने वाले बाबूलाल मरांडी की बहन ने हरमू में करोड़ों रुपए की होटल द कॉप्स की जमीन खरीदी है, तो हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के नाम पर हरमू में ही राजू उराव की जमीन खरीदी है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या ये सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन नहीं है। बीजेपी के वार पर बाबूलाल मरांडी ने भी पलटवार किया है। मरांडी ने कहा कि उनकी बहन ने जमीन खरीदी है, लूटी नहीं है। मरांडी ने रघुवर सरकार पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए किसानों की जमीन लूटने की साजिश करने का आरोप लगाया। रघुवर सरकार सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल को नए संशोधन के साथ विधानसभा में पेश करेगी। सूबे के राजस्व निबंधन और भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी ने ये जानकारी दी है। बाउरी ने कहा कि सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल का सीधा लाभ सूबे की जनता को मिलेगा। बाउरी ने कहा कि सरकार नए संशोधन के साथ इस बिल पर आगे बढ़ेगी। झारखंड के राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल के मामले पर राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर अपनी राय दें। बाउरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे बिल लाएगी जो सबको स्वीकार होगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर सरकार के सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल को वापस लौटा दिया है। इसके बाद से विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यपाल के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने साफ कर दिया कि सीएनटी एसपीटी में किसी भी संशोधन का वो विरोध करेंगे। रघुवर सरकार ने मानसून सेशन में धर्मांतरण निषेध बिल लाने की तैयारी कर ली है। सीएनटी एसपीटी संशोधित विधेयक के मसले पर एक कदम पीछे खींचने वाली राज्य सरकार ने धर्मांतरण बिल के जरिए राजनीतिक पलटवार की तैयारी की है। राज्य सरकार की मंशा बिल को 11 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सेशन में पेश करने की है। इस बिल में लालच या जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 11 से 17 जुलाई तक चलेगा। रघुवर सरकार 2017 और 18 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। राज्य सरकार अनुपूरक बजट 12 जुलाई को पेश करेगी। भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या मामले में अलीमुद्दीन अंसारी की पत्नी मरियम खातून को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। रामगढ़ में एसडीओ ने मृतक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और 2 लाख का मुआवजा का चेक सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।